नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास घोट। तो किसान भाइयों, कल हमने बंगाल की एक लोडिंग रिपोर्ट डाली है, उसको देखने के बाद हमारे किसान भाई थोड़ा परेशान है। तो पहले मैं उनकी परेशानी दूर कर देता हूं, फिर किसान भाइयों मैं आज के आलू के भाव के बारे में बताऊंगा। कहां आई आलू में तेजी, कहां आया मंदा, कहां रहे आलू के भाव स्थिर। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बंगाल की आपके लिए रिपोर्टिंग डाली गई है, वो समिति के आधार पर जैसे 13 करोड़ 61 लाख के आसपास हमने बताया है, ठीक है। तो लगभग 94-95 लाख पैकेट ज्यादा है पिछली बार 2022 की अपेक्षा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इससे काफी लोग परेशान इस वजह से हैं कि कम बताई जा रही थी, पैदावार तो ज्यादा है। देखिए, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इस समय आंकड़े होते हैं या कभी भी जो आंकड़े काम करते हैं, वो आंकड़े केवल आपको इस तरीके से काम करते हैं कि इस समय आलू का आंकड़ा ये है, इतना आलू स्टोर हो चुका है, अब आपको इसके आधार पर इस तरीके से बेचना है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारे किसान भाई आंकड़े वाकड़े पर ध्यान देते या नहीं देते, लेकिन अपने आलू को बस ये देखते थे कि मैं नवरात्रि में बेचूंगा, मैं अब बेचूंगा, मैं पीछे बेचूंगा, आगे बेचूंगा, ये शब्द को देखते थे, या मैं इतने रुपए में बेचूंगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। YouTube में कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, किसान भाइयों को हर मुकाम पे हर समय पैसा दिलाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। लेकिन काफ़ी लोगों, हम जैसे लोगों से भी थोड़ी उन्हें परेशानी है। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि यार आने वाले टाइम में आपको गाली मिलेंगी। बिल्कुल मिलने दीजिए, क्योंकि जिस समय लोगों का आलू फिक रहा था ना, एक तरह का मतलब 100 रुपये पैकेट 50 रुपये पैकेट लोग ले रहे थे, उस समय भी हमें ये शब्द बोले जा रहे थे कि आप फंस जाओगे आगे चल के, आप इतनी तेजी में हो। अब वो लोग कह रहे हैं, अब वो लोग तो बंद हो गए, अब दूसरे नए लोग आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तो देखना कोल्ड खुलेंगे, अब कोल्ड खुलने के बाद मार्केट और डाउन हो जाएगा, फिर मार्केट उठेगा ही नहीं। चलो मान लेते हैं उनकी बात, जो कुछ है कि वो बात अलग है, इनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल काम की बात करते हैं। तो देखिए, बंगाल में 13 करोड़ 61 लाख के आसपास जो बताया गया समिति के आधार पर, वो हमने रिपोर्टिंग दी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इस रिपोर्टिंग को आप देख के आपको डरना चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल कहूंगा आपसे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि किसान भाइयों, बंगाल में भर तो पूरा दिया है कि मेरा पूरा पैकेट भर गया या पूरा कोल्ड भर गया है, लेकिन पीछे से आलू नहीं है। उस आलू को जब पीछे आलू नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोल्ड खोलना पड़ेगा। अब जब कोल्ड खोलोगे तो क्या होगा कि उसमें से आलू क्या है कि 1 किलो 2 किलो और निकालोगे आप। जब आलू निकालोगे तो किसान भाई सबको पता है कि आंकड़ा वहीं आ जाएगा जो हम चाह रहे हैं और जो आप भी चाह रहे हो कि ये कैसे हो गया। तो ये इसी प्रकार होगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए, दुनिया में कोई भी ताकत हो, हमारे किसान भाइयों को पैसा मिलने से रोक नहीं सकता है। वो क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले कुछ अलग चीज़ थी, अब कुछ अलग चीज़ है। हम अपने किसान भाइयों के लिए ऐसा कोई भी मौका छोड़ने नहीं देंगे जिस मौके पे वो अपना फ़ायदा ना उठाएं। हम हर मौके पे आपको पैसा दिलवाने की कोशिश करेंगे। आज अगर 500-600 का रेट है, तो एक इस रेट में भी आलू को बेचेंगे, और कल को 1000-1200-800-900 जो कुछ भी रेट हमें मिलता जाएगा, हर रेट में हम आलू बेचेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हमें लगेगा कि डिमांड और बढ़ने वाली है, तो हम बिल्कुल और भी लोगों को जोर काटते हैं और भी और बताते हैं बातें। तो किसान भाइयों, आपको हर भाव में तो आलू को बेचना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं वो सोचते रह जाएंगे, ठीक है। हर किसानों के पास आलू है और हर किसान हर भाव में आलू बेचें, सब किसानों को बराबर फायदा मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई ये सोचेगा कि मैं 1200-1500 बेचूंगा, तो भैया वो अपनी अपनी किस्मत है, कभी कभी 1200 भी बिक जाता है, कभी कभी 200 रुपये भी बिक जाता है। लेकिन आज तक हम इस काम को नहीं करते, इस वजह से किसी को इस काम की सलाह भी नहीं देते। आज तक नहीं किया हमने ये काम कि आप 1200 में बेचेंगे पूरा आलू। तो इस वजह से किसान भाइयों, हम तो ये चाहते हैं आपको दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपको पैसे दिलाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं कि बस आपको हर भाव में पैसा लेना चाहिए। और देखिए, जब आलू फिक रहा था, बिक रहा था, 50-100 रुपये बिक रहा था, तब आपको क्या कहा था आपको पता ही है। मैंने ज़्यादातर आपको ये शब्द कभी नहीं कहा होगा कि इस रेट में भी आलू बेचेंगे, कभी नहीं कहा होगा। सीधे आप जाइए नीचे कमेंट में, मतलब पीछे जाइए, 3-4 हफ्ते पुरानी मेरी वीडियो देखिए, एक भी वीडियो में नहीं कहा होगा मैंने कि किसान भाई आलू बेच के निकल जाए, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने ये और बोला था उस समय कि आलू की बेइज्जती महंगी पड़ेगी, एक भाव आलू को कभी नहीं रहेगा थोड़े। अब देखिए, मैं डायरेक्ट तो आपको बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, समझिए इस बात को, और मैं जो कहता हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर मैं आपके लिए हवाई फायर वाली वीडियो बनाऊंगा कि ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो देखिए वीडियो तो आपको अच्छी लगेंगी, वो भाषा भी अच्छी होती है, लेकिन हम काम कर रहे हैं आपको बहुत आगे तक के लिए। लेकिन क्योंकि देखिए, हमारी ये बातें जैसे आलू का एक भाव कभी नहीं रहेगा, ये शब्द आपके लिए कम से कम बता रहा हूँ, जब आप आलू करोगे जब तक ये शब्द काम ही करता रहेगा आपके लिए। आज हम कह गए इस बात को, हमेशा काम करेगा। आलू की जब जब बेइज्जती हुई है, महंगी पड़ी है, ये भी हमेशा काम करेंगे शब्द। तो हम उस चीज़ पे आपके लिए काम कर रहे हैं, ना कि आज का काम आज ही खत्म, इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि कल हम रहे ना रहे, लेकिन आपके लिए ये शब्द काम करते रहेंगे। जैसे कि एक राजीव दीक्षित जी के जो शब्द हैं, वो आज तक लोगों के दिमाग में गूंज रहे हैं और चल रहे हैं, ठीक है। तो किशन भाइयों, आज की वीडियो में अब जानते हैं हम आज के आलू के भाव के बारे में,
और बंगाल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में देखना एक महीने बाद ये आलू कहाँ से लाएंगे, इन्हें पता पड़ जाएगी। और फिर इनके पास दो ऑप्शन है, या तो कोल्ड खोलिए नहीं तो यूपी से आलू लाइए। अब यूपी से आलू लाएंगे यूपी से महंगा पड़ेगा, तो कोल्ड खोलने पड़ेंगे। अब कोल्ड खोलेंगे तो भाई बंगाल में 1 करोड़ आलू एक महीने में निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो फिर कितना रह गया, फिर 12 करोड़ 61 लाख रह गया, जो कि पिछले साल के बराबर था। तो कोई भी कपड़ा नहीं, जरूरत नहीं है, जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। और आपके लिए 2-3 चीज़ें गहराई वाली और मैं बताऊंगा, वो कल बताऊंगा वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के आलू के भाव के बारे में बात करें तो सबसे मैं बात करूंगा बुलंदशहर मंडी की। तो बुलंदशहर मंडी में चिप्सोन आलू आज बिका है 550 से लेके 580 रुपये, और ज़्यादा PIP है तो 600 तक भी बिक गया है। अब 37-97 की बात करें, 450 से लेके 500 रुपये पैकेट यहाँ पर बिका है बुलंदशहर मंडी में। अब किसान भाई बात करते हैं मुंबई मंडी की। तो देखिए मुंबई मंडी में आज 31 गाड़ी हैं। अब बताइए मुंबई मंडी में जब आवक नहीं है तो कोल्ड का आलू खोलना पड़ेगा, यानी कोल्ड से आलू को ले आना पड़ेगा मुंबई के लिए। अब कोल्ड से आलू ले जाएंगे तो सीधी सी बात है, कोल्ड से आलू जा रहा है तो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, वहाँ कम नहीं हुआ तो यहाँ कम हो रहा है, टेंशन मान लीजिए आलू को, ठीक है। और यूपी का आलू बिका 12 से 14 रुपये किलो मुंबई में, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो तेज़ी देखने को मिल रही है मुंबई में, क्योंकि गाड़ी नहीं पहुँच रही है। तो क्या होगा, अब देखना कल को गाड़ी पहुँचेंगी फिर। अब किसान भाई गुजरात का आलू बिकाया 10 से लेके 12 रुपए किलो, और इंदौर का बिकाया 14 से 16 रुपए किलो। अब किसान भाई बात करते हैं नासिक मंडी की, आज 20 गाड़ी पहुंची है, 10 से लेके 12.5 रुपए किलो बिका BIP क्वालिटी का, और लोकल आलू 1100 जो पैकेट पहुंचा वो बिका 10 से लेके 12.5 रुपए किलो। अब पुणे मंडी की बात करते हैं, यूपी की 22 गाड़ी है जो कि 10 से लेके 13 रुपए किलो बिका है, और इंदौर की 4 गाड़ी है 14 से लेके 16 रुपए किलो बिका है, और न्यू नासिक की 5 गाड़ी हैं जो कि 12 से लेकर 15 रुपये किलो बिका है, और लोकल आलू 2000 पैकेट जो पहुंचा 8 से लेकर 13 रुपये किलो बिका है। अब बात करते हैं किसान भाइयों बिहार की या बाराबंकी की। तो देखिए बाराबंकी में तो बिल्टी वही है, 1000 रुपये, 950 से लेके 1000 1010 20 रुपये तक चल रही है, क्योंकि किसान भाइयों जैसा आलू वैसे दाम है वहाँ पे, अब ये सिस्टम हो चुका है, ठीक है। और देखिए बिहार की बात करें तो बिहार में C40 आलू होता है, C40 जो गड्ढा आलू है, मिक्सिंग वाला आलू है, वो तो बिक रहा है 950 रुपये कुंटल, और जो वहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का आलू वो उसमें 100 रुपये की तेजी, वो बिक रहा है 1050 रुपये कुंटल तक। अब किसान भाइयों राजेंद्रमन हो या सिंदूरी आलू हो, जो तुम्हारे बाराबंकी से या कहीं से भी जो आलू जाता है वो बिहार में बिक रहा है 12 रुपये किलो, यानी 1200 रुपये कुंटल। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो 1000 रुपये की बिल्टी भी लेंगे तो भी वहाँ पर फायदा हो जाएगा, मेरे हिसाब से 150 रुपये खर्चा आएगा, 50 रुपये का फिर भी फायदा ही है उन्हें, कुंटल का नुकसान तो है ही नहीं है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों पानीपत मंडी की। तो पानीपत में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, 9 गाड़ी पहुंची, 2 गाड़ी बैलेंस है। पानीपत में 480 से लेके 530 रुपये तक बिका है। अब देखिए गिरावट आलू में कई कारण भी होते हैं, क्या पता क्वालिटी आज की अच्छी ना हो इस वजह से और भी गिरावट देखी गई हो, जबकि गाड़ी तो ज़्यादा है नहीं है। और न्यू हॉलैंड आलू पहुँचा है 350 से लेके 450 रुपये, और पुखराज बिका है 250 से लेके 325 रुपये पैकेट। और किसान भाइयों अब बात करते हैं थोड़ी मदुरा मंडी की, साउथ की मंडियों में लगभग तेजी है ज़्यादातर। साउथ की मंडी 37-97 बिका है 12 से 15 रुपये किलो मदुरा मंडी में, और 302 बिका है 10 से 12 रुपये किलो, 302 10 से 12 रुपये किलो, वहाँ क्या फ़ायदा भैया, इतना तो यहीं पर बिक रहा है हमारे दिल्ली मंडी में। अब चेन्नी मंडी की बात करें तो चेन्नी मंडी में यूपी की 4 गाड़ी हैं, 10 से लेकर 16 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पे लगभग। अब आप देख रहे हो 10 से लेकर 16 रुपये किलो का मतलब 800 रुपये पैकेट तक बिक रहा है चेन्नी मंडी में। और कोलार का जो आलू है वो 30 गाड़ी है जो कि 400 से लेके 500 रुपये पैकेट बिक रहा है 40 किलो की तोल में। और बेंगलोर मंडी में भी तेजी है, लेकिन कोल्ड वाले आलू में तेजी है। बेंगलोर मंडी में यूपी का डंप वाला और कोल्ड दोनों पहुँचे, जो कि डंप वाला आलू बिका 500 से 600 रुपये पैकेट, और तुम्हारा कोल्ड वाला बिका 650 से लेके 750 रुपये पैकेट बेंगलोर मंडी में। और जयपुर में किसान भाई 45 गाड़ी हैं जो कि 8 से लेके 11 रुपये किलो बिका है। अब बात करते हैं दिल्ली मंडी की। तो दिल्ली मंडी में आज 1 से 1 गाड़ी हैं जो कि 22 गाड़ी बैलेंस है, और कोल्ड का बिका है 550 से लेके 600 रुपये। अब किसान भाई 37-97 हो या 302, शमशाबाद का भी कोल्ड के रेट ही बिक रहा है इस समय, जो डंप वाला शमशाबाद का है वो बिक रहा है 550 से लेके 600 रुपये शमशाबाद का, और तेजी से बिकता है, बढ़िया क्वालिटी है, BIP क्वालिटी टक्कर दे रहा है पूरा कोल्ड के आलू को, यानी शमशाबाद या आगरा की तो केवल डंप वाला भी आलू टक्कर दे रहा है, बताइए। अब सूर्या की बात करें 700 से लेके 750 रुपये BIP आलू बिक रहा है सूर्या 800 रुपये, और चिप्सोना की बात करें 550 से 600 रुपये, और हाईब्रिड की बात करें 400 से लेके 450 रुपये बिका है, और डायमंड बिका है पंजाब वाला 400 से लेके 450 रुपये, ज़्यादा एक्स्ट्रा BIP है तो 500 रुपये भी बिका है पंजाब वाला। अब किसान की बात करते हैं हम चड़ौसी वाले डायमंड की, वो बिका 600 से 700 रुपये पैकेट। अब बात करते हैं LR की, LR बिक रहा है 450 रुपये 550 रुपये तक बिक रहा है BIP क्वालिटी का, 500 550 रुपये, लेकिन मोटी टपका बढ़िया BIP तो वो 600 रुपये भी बिक रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों ये तो रहे आज के आलू के भाव के बारे में, और हमारे किसान भाइयों के लिए इस चैनल पे अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करें, और
इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि लोगों के पास अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाना जरूरी है जो कि नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं विकास गौड़, वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।